अब हमारे साथ रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा भी मौजूद है, उनको भी शो में शामिल करते हैं। शर्मा जी नमस्कार, शुक्रिया आपने समय दिया जी बिजनेस को, और व्यूअर्स तो आपका इंतजार करते हैं आपके बेहतरीन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का भी। तो बताइए पहला स्टॉक कौन सा पिक किया है आज आपने? देखिए जो रिटेल व्यूअर्स होते हैं उनको कई बार कम प्राइस के या छोटे प्राइस के स्टॉक्स में काफी इंटरेस्ट होता है, तो उसमें इस बार मैंने एक अच्छा स्टॉक निकाला है जहां मैं समझता हूं कि वो काफी बड़ी साइज की कंपनी है और अच्छी अर्निंग है। प्राइस के सामने देखें तो डिविडेंड अच्छा है, डिविडेंड है और साथ ही साथ बुक वैल्यू बहुत अच्छी है। तो ये कंपनी है सिंटेक्स के डी मर्जर से बनी हुई कंपनी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, जो कि अब टोटली टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर है। और ये कंपनी पहले फैब्रिक बिजनेस में थी लेकिन पिछले साल से डाइवर्सिफाई हुई है यार्न बिजनेस में, और यार्न में इसने बहुत बड़ी कैपेसिटी का प्लान बनाया था, करीब 10 लाख स्पिंडल्स की कैपेसिटी, जिसमें से 6 लाख ऑपरेशनल हो चुकी है और 4 लाख आने वाले समय में ऑपरेट होगी। और ये कंपनी की अच्छी या खूबी यह है कि ये जो नया यार्न बना रही है ये पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट यार्न है, जो कि बहुत हाई वैल्यू एडेड यार्न है और नो टच टेक्नोलॉजी का है, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से लेके यार्न पैक होकर के एक्सपोर्ट होने तक कोई भी टच नहीं होता है यार्न के, और एक तरह से कंटेमिनेशन फ्री है। और इस तरह के यार्न की डिमांड बहुत अच्छी है ग्लोबल मार्केट में, प्लस डोमेस्टिक मार्केट में भी जो हाई क्वालिटी प्लेयर्स हैं उनसे बहुत अच्छी डिमांड है, और इसके कारण ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती जा रही है। मार्च 18 में इसकी अर्निंग करीब 2.5 रुपए के आसपास आई है, कैश अर्निंग 4 रुपए से ऊपर की है, 10% डिविडेंड दिया है इसने, और शेयर का भाव अभी सिर्फ 14.25 रुपए चल रहा है। मार्की क्लाइंट्स हैं इसके, 3000 करोड़ का मार्च 18 का टर्नओवर आया है, जो मार्च 19 में बढ़ के 4000 करोड़ से ऊपर चला जाएगा, और मार्च 20 तक जब इसकी फुल 10 लाख स्पिंडल्स की कैपेसिटी चालू हो जाएगी तो ये बढ़ के 5000 करोड़ से ऊपर का इसका सेल्स टर्नओवर चला जाएगा। मैं समझता हूं ये कंपनी करंट भाव में एक तरह से जीरो रिस्क जैसी कंपनी है, और यहां से ये कंपनी बहुत इजीली जब 2 साल में 2020 में इसकी अर्निंग हो सकता है कि 4-4.5 रुपए हो जाए नेट लेवल पे, तो इसके भाव बढ़कर के और 45 रुपए तक हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये डबलर ट्रिपलर हो सकता है अगले 2-3 साल में, तो ऐसे शेयर को लेके आप रख सकते हैं। तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज ये पहला स्टॉक है डीडी शर्मा की ओर से जो उन्हें पसंद है, 45 रुपए के टारगेट के साथ इनका खरीदारी का व्यू है, 6.5% ऊपर अभी कर रहा है ट्रेड 15 रुपए के लेवल्स पर, तो ये स्टॉक डेफिनेटली रहेगा फोकस में। शर्मा जी दूसरी पिक बताइए अपनी। दूसरी जो मेरी पिक है वो एक एग्रो और एग्री से रिलेटेड जो है कंपनी है, ये है जैन इरिगेशन, बहुत पॉपुलर कंपनी है। लेकिन आज की तारीख में अच्छी बात ये है कि अगर हम 12 महीने पहले या 8 महीने पहले के इसके प्राइसेस से देखें तो वहां से काफी नीचे आया हुआ है शेयर। ये शेयर जो पहले 150-160 के आसपास चलता था आज 80-85 रुपए के आसपास चल रहा है, और पिछले 12 महीने में इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा इंप्रूव हुई है, प्लस जो ऑपरेशनल आउटलुक है वो भी काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है। ये जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में कंपनी है मेनली सबसे डोमिनेंट प्लेयर है, वहां पर आउटलुक बहुत अच्छा है, बहुत सारे इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स से जो है ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि पानी कंजर्व करना जो है हर स्टेट की एक तरह से प्रायोरिटी है और इसके लिए इसको बहुत काम मिल रहा है। साथ ही साथ एग्रो प्रोसेसिंग में ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोसेस करके और एक्सपोर्ट भी करती है, डोमेस्टिक मार्केट में बेचती है, और वहां भी ये नए प्रोडक्ट्स में जा रही है जैसे स्पाइसेज में जा रही है, और ओवरऑल मैं समझता हूं कि परफॉर्मेंस आने वाले सालों में बहुत तेजी से इंप्रूव होगी, और प्राइसेज जो है स्टॉक की प्राइसेज जो है वो नीचे के लेवल्स के आसपास है, जहां मैं समझता हूं इसकी डिस्काउंटिंग जो है मेरे ख्याल से हिस्टोरिकली लो लेवल्स के आसपास है, उसको देखते हुए मुझे ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, और 12 महीने में अगर ये शेयर यहां से वापस डबल हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जैन इरिगेशन 2.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड, ये दूसरा स्टॉक है जो शर्मा जी को पसंद है, इन स्तरों पर भी आप कर सकते हैं खरीदारी। लेकिन एक बीटीएसटी आ रहा है राकेश जी के रडार पर, तो रुक कर लेते हैं बीटीएसटी का।